नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। दोस्तों, काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे विशेषज्ञों की टीम द्वारा यह सटीक कट ऑफ तैयार की गई है, जो आरपीएससी की आने वाली ऑफिशियल कट ऑफ के लगभग बराबर बैठने वाली है। इसलिए यदि आपके नंबर हमारे द्वारा बताई गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर बैठ रहे हैं, तो आपका निश्चित रूप से एक गवर्नमेंट टीचर के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, आपके हिंदी में कुल 1507 पद थे और इसके लिए 2,24,586 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। साथ ही दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। साथ ही दोस्तों, अदर सब्जेक्ट कट ऑफ क्या जाने वाली है, उसका लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया है, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या जाएगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हिंदी की। तो हिंदी में पहले बात करते हैं जर्नल की। तो जर्नल में बॉय थे आपके 12,156 और गर्ल्स थी आपके 29,902। इन्होंने फार्म अप्लाई किया था। तो बॉयज़ की कट ऑफ आपके 370 से 375 के बीच रहेगी, वहीं गर्ल्स आपके 365 से 370 के बीच रहेगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में बॉयज़ की कट ऑफ आपके 360 से 365 के बीच रहने वाली है और गर्ल्स की कट ऑफ आपके 355 से 360 के बीच रहने वाली है। यदि आपके नंबर इस कट ऑफ के अंदर हैं, तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर हो जाता है, आपके कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। एससी बॉयज़ की बात करें तो यह आपके 340 से 345 के बीच और गर्ल्स वहीं पे 335 से 340 के बीच रहने वाली है। यदि आपके नंबर इस कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं इसमें। एसटी की बात करें तो एसटी में बॉयज़ आपके 335 से 340 और वहीं गर्ल्स आपके 330 से 335 के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपके हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और साथ में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अदर सब्जेक्ट की कट ऑफ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।